मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ी बैठक करने वाला है। बैठक 19 फरवरी को संघ पदाधिकारियों और प्रदेश के मंत्रियों के साथ होगी, जिसमें सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में मंत्रियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बैठक की बात को नकारते हुए कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री सीएम के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक साथ पौधारोपण करेंगे। देखिए, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री जी ने जो पौधारोपण का अभियान शुरू किया था, जो प्रतिदिन वो पौधा लगाते हैं, उसके 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसको लेके एक बड़ा राज्य स्तरीय पर्यावरण विभाग का एक कार्यक्रम हो रहा है पौधारोपण का, और ये पंचायतों तक पौधे लगेंगे। प्रदेश में जितनी विकास यात्राएं चल रही, सबकी शुरुआत उस दिन पौधारोपण से होगी। तो एक बड़ा अभियान और एक बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, उसके लिए सबको बुलाया गया है। और चूंकि अब विकास यात्रा चल रही है और विकास यात्रा का समापन 25 फरवरी को होना है, अब 5 फरवरी से प्रारंभ हुई थी, तो अभी तक की उसका क्या रिव्यू है, क्या समीक्षा है, और बचे 6 दिन में क्या निर्णय लिया जा सके, जनता के बीच में कैसे जाएं, उसकी कार्य योजना भी तैयार होगी, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। साथ ही बजट सत्र 27 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा, उसको लेकर भी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हो जाएगी। उसकी तैयारियों को लेकर सदन में हमारी क्या रूपरेखा हो, क्या तैयारी हो, क्या हम अपनी बात रख सकें, तो उस सबको लेके चर्चा करना है। अब कयास तो तमाम लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इसको किसी भी प्रकार के फेरबदल या तमाम आशंका और कुशंकाओं से नहीं देखते हुए, यह तो एक पौधारोपण का अभियान है 2 वर्ष पूर्ण होने के लिए, उसके लिए सबको